हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग बीपीएससी टायर फोर के लिए हम लोग लग जाते हैं। तो जिसने बीपीएससी टायर थ्री का एग्जाम दिया होगा, जिसको लग रहा हो कि मेरे ज्वाइन इस बार नहीं होने वाला है, तो अभी से ही इस तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एसटेट का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट का बच्चा इंतजार कर रहा है। जो बच्चा इधर जैसे 40,000-50,000 विद्यार्थी था जो टायर थ्री में भाग लिया है, उसमें तो 2,000 का जॉब लगेगा उसका, तो बाकी जो बचेगा टायर फोर में भी जुड़ेगा, और जो एस्टेट नया दे रहा है उससे फिर बढ़ेगा, तो इसलिए कॉम्पिटिटिव क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। इसलिए आज से हम लोग क्या करते हैं, टायर फोर का तैयारी करते हैं। ये वीडियो जो है ना, जो टीजीटी मैथ जैसे क्लास 9th 10th और 11th 12th के लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए आज से हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इस ये पूरे त्रिकोणमिति का फॉर्मूला पहले देख लेंगे, उसके बाद इस पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे। फिर से क्या करना है, जब क्वेश्चन इस पे आधारित देखेंगे तो फिर से क्या करना है, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है उसको बनाने की कोशिश करेंगे, देखना है कि अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूला। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, जैसे साइन, क्या साइन, तो साइन क्या होता है, जैसे होता है पी बटे एच, क्या होता है पी बटे एच। पी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी को बोलते हैं क्या, लंब। फिर पी को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और एच को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, जैसे मतलब कर्ण, ये हो गया। उसी तरह जैसे कॉस का होता है क्या, कॉस, कॉस होता है बी बटे एच, क्या होता है कॉस बी बटे एच। बी को मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, बेस मतलब आधार, ये हो गया आपका क्या, आधार हो गया, ये आपका आधार हो गया। एच मतलब क्या, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, ये क्या हो गया, कर्ण। सेम उसी तरह मान लीजिए हमको टेन का चाहिए, टेन, टेन होता है क्या पी बटे बी, टेन क्या होता है पी बटे बी, पी का मतलब लिखा चुके क्या, लंब होता है, पी का मतलब क्या होता है, लंब, बाकी बी का मतलब क्या हो गया, आधार। उसके बाद जैसे साइन, जैसे एक होता है कोसेक, क्या कोसेक, कोसेक को क्या करना है, कोसेक को याद रखना है साइन के उल्टा होता है, तो साइन क्या है पी बटे एच, तो ये क्या जाएगा एच बटे पी, ये क्या जाएगा एच बटे पी, एच का मतलब हो गया कर्ण और पी का मतलब हो गया लंब। मतलब साइन याद रखिएगा तो कोसेक याद हो जाएगा, कि ये दोनों को उल्टा की तरह याद रखना है। उसी तरह जैसे सेक का याद रखना है, क्या सेक, सेक किसकी तरह होगा, कॉस की तरह, कॉस क्या होता है बी बटे एच, तो ये क्या हो जाएगा एच बटे बी, ये क्या हो जाएगा एच बटे बी, एच का मतलब हो गया कर्ण और बी का मतलब हो गया आधार, बी का मतलब क्या हो गया आधार। उसी तरह एक होता है कॉट, क्या होता है कॉट, कॉट क्या हो जाएगा टेन का उल्टा होगा, जैसे टेन होता है पी बटे बी, हो जाएगा बी बटे पी, बी का मतलब क्या होता है आधार और पी का मतलब क्या हो गया लंब। तो ये तो हो गया क्या, इस तरह सबको याद रखना, साइन पी बटे एच, कॉस बी बटे एच, टेन पी बटे बी, कोसेक एच बटे पी, सेक एच बटे बी और कॉट पी बी बटे पी, या हिंदी में इस तरह से कर्ण लंब, इस तरह से आपको याद कर लेना। अब क्या दिया रहेगा, तो ये जैसे मान लो कि एक फिगर लीजिए, जैसे एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण हमेशा 90 डिग्री रहेगा, बाकी दो कोण न्यून कोण रहेंगे। इसमें जब हमको मान निकालने के लिए देगा तो या तो न्यून कोण भी दे सकता है और समकोण का भी दे सकता है। जैसे आप देखते हैं ये हो गया एक फॉर्मूला, अब इसी आधार पर आपको जैसे मान लीजिए इसके अनुसार से इस एक त्रिभुज दे दिया एबीसी, इसके अनुसार से आपसे पूछेगा कि इस एंगल के अनुसार से पूछेगा, क्या पूछेगा, इस एंगल के अनुसार से। जैसे आपको ये सिर्फ याद रखना है, ये जो अभी बताएंगे त्रिभुज के आधार पर आपको कैसे बताना है, जैसे देखते हैं इसी में एग्जाम्पल लेके, जैसे मान लेते हैं उससे पूछेगा साइन ए, तो साइन ए का मान क्या होगा, जैसे एक त्रिभुज एबीसी जैसे दिया रहेगा उसमें से ए बता देगा और सी बता देगा क्या, ए और सी न्यून कोण है, उसमें पूछेगा साइन ए का मान क्या होगा। जैसे यहां से देखते हैं साइन ए का मान पूछेगा, साइन क्या पढ़े, साइन होता है पी बटे एच, साइन क्या होता है पी बटे एच, ये जब भी यहाँ कुछ भी रहे साइन के बाद तो हमेशा क्या होता है पी बटे एच ही होता है, क्या होता है पी बटे एच, पी बटे एच का मतलब हो गया लंब और कर। अब जैसे ये याद रखना हमेशा कि जिस एंगल का यहाँ प्रयोग करेगा, जैसे यहाँ एंगल ए लिया, इस एंगल ए के अनुसार, तो ये जैसे एंगल ए के अनुसार सामने वाले जब लेते हैं, ये सामने वाले हमेशा क्या कहलाएगा पी, इस एंगल ए के अनुसार जो सामने वाला होगा वो क्या कहलाएगा पी, पी का मतलब क्या बोले लंब, बाकी उसके बाद जैसे ये हो गया, ये तुम्हारा ये आपका क्या आ जाएगा सी के सामने वाला क्या कहलाएगा, जैसे ये हो गया पी मतलब लंब, तो ये क्या जाएगा आधार, आधार को हम लोग किससे लिखते हैं बी से, ये क्या कहलाएगा आधार कहलाएगा। उसके बाद 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है कर्ण, 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है कर्ण, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ये हम लोग किसके अनुसार हल कर रहे हैं, ए के अनुसार हल कर रहे हैं, ए के अनुसार सामने वाले क्या कहलाएगा लंब, बाकी बचा एक कर्ण, 90 के सामने वाला कर्ण, और ये हो गया बी। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो एंगल को हल करना है उस एंगल के सामने वाले लंब कहलाएगा, 90 के सामने वाले कर्ण कहलाएगा, बाकी जो बचा वो क्या आ जाएगा आधार हो जाएगा। जैसे ये मान लीजिए हम साइन ए का अनुसार चलेंगे, तो साइन क्या होता है पी बटे एच, तो अब यहाँ से पी बटे एच
देखिए पी का मतलब हो गया लम, लम यहाँ किसको डिनोट करता है, लम दिखा रहे क्या बीसी को, यहाँ देख सकते हैं क्या पी की जगह हम बीसी रख सकते हैं। कर्ण एच, एच का मतलब यहाँ है एच क्या दिखाएगा एसी, एच क्या दिखाएगा एसी दिखाएगा। उसी तरह अगर हमसे पूछ लिया जाए, मान लो हमसे पूछेगा कॉस ए, क्या पूछेगा कॉस ए का मान, तो कॉस ए का मान क्या होता है, कॉस हमेशा याद रखना, कॉस होता है क्या बी बटे एच, क्या याद रखना आपको कॉस बी बटे एच, यही आपको याद रखना है, खाली इसके अनुसार हम लोग सवाल में लाते हैं। कॉस होता है बी बटे एच, अब यहाँ से बी का मतलब क्या होता है आधार, जैसे यहाँ बी देखो इस फिगर में बी क्या दिखाता है, इस लेंथ को दिखाता है, बी का नाम क्या बोलेंगे ए बी, बी का मान क्या हो गया यहाँ से ए बी, अब बटे क्या एच का मतलब कर्ण हो गया ए सी। सेम उसी तरह से हमको टेन ए का पूछेगा, क्या पूछेगा टेन ए, जब टेन क्या होता है पी बटे बी, टेन क्या होता है पी बटे बी, इसके अनुसार से यहाँ से पी बटे बी, पी का मतलब लंब और ये हो गया आधार, लंब यहाँ क्या दिखाया हुआ है लंब, पी किसको डिनोट करता है बीसी को, यहाँ क्या लिखेंगे बीसी, अब बटे बी का मान क्या दिखा दिया यहाँ से ए बी, यहाँ से ए बी लिख देंगे। उसके बाद उसी तरह अगर मान लीजिए आपको पूछेगा कौशिक, क्या पूछेगा कौशिक ए, कौशिक ए का मतलब क्या होता है कौशिक मतलब साइन, तो साइन क्या होता है फॉर्मूला पी बटे एच, इसका क्या लिखेंगे एच बटे पी, एच का मतलब हो गया कर्ण, कर्ण यहाँ किसको दिखा रहा है एसी को, यहाँ लिखेंगे एसी, अब बटे पी, पी मतलब लंब, लंब किसको दिखा रहा है बीसी, तो बीसी कर देंगे। ये हमेशा साइन का उल्टा आएगा, जैसे साइन का क्या है बीसी बटे एसी, तो क्या हो गया एसी बटे बीसी। सेम उसी तरह जैसे मान लीजिए आपको सेक ए का पूछेगा, क्या पूछेगा सेक ए, सेक क्या होता है सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस क्या दिया है बी बटे एच, ये क्या जाएगा एच बटे बी, ये क्या हो जाएगा एच बटे बी, एच का मान यहाँ क्या दिखा रहा है एच का मतलब कर्ण, कर्ण हो गया एसी, अब बटे बी का मान हो गया क्या बीसी, बी का मान हो गया आधार, आधार मतलब हो गया ए बी, ए बी कर देना है। उसी तरह से हमको कॉट का पूछेगा, क्या पूछेगा कॉट का, कॉट लिखेंगे कॉट ए, कॉट ए का कॉट होता है क्या जैसे टेन का उल्टा, तो टेन होता है पी बटे बी, कॉट होता है बी बटे बी, यहाँ लिखेंगे बी बटे क्या पी, बी का मतलब हो गया आधार, आधार यहाँ किसको डिनोट कर रहा है ए बी को, आधार यहाँ क्या डिनोट कर रहा है ए बी को, बटे पी, पी मतलब लंब, लंब हो गया क्या बी से। ये तो हो गया क्या एंगल ए के अनुसार से अगर हमसे पूछेगा तो ये इस तरह से हम लोग जवाब देंगे। उसी तरह अगर आपको क्या सी के अनुसार जब पूछेगा, क्या जब सी के अनुसार से, अगर सी के अनुसार से आपको पूछेगा जैसे मान लीजिए एक और नया फिगर बना लेते हैं सेम इसी तरह, जैसे एक फिगर लिखे ये है आपका ए, ये आपका बी माने और ये आपका क्या मान लीजिए सी, तो उसी तरह जैसे हम लोग ये आपका 90 है, तो ये फिक्स एक 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है एच, का मतलब ये क्या है आपका कर्ण है। बाकी हम क्या सी के अनुसार जब हल करेंगे, सी के अनुसार जब सी के अनुसार हल करेंगे तो सी के सामने वाला क्या आ जाएगा लंब बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये लंब बन जाएगा, और बाकी ये बाकी जो बचा वो क्या आ जाएगा आधार, आधार मतलब बी हो जाएगा। हम ये सिखाना चाह रहे हैं कि अगर एंगल के अनुसार हल करना पड़ेगा तो एक सामने वाला पी कहलाएगा, जैसे एक अनुसार चलेंगे तो ये हो जाएगा पी, अगर सी के अनुसार चलेंगे तो ये पी हो जाएगा, तो हम डिफरेंट है। ये आपका सिर्फ फार्मूला की फार्मूला याद कर लेंगे तो क्या साइन पी बटे एच होता है मतलब लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन अगर हमको त्रिभुज का आधार पर दे देगा नाम जैसे ए बी सी या कभी पी क्यू आर इस तरह से कुछ दिया रहेगा, तो एंगल के अनुसार जब सवाल देगा तो उसमें हम लोग क्या इस जब तक इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो हल नहीं होगा। जैसे टेंथ में सबसे पहला सवाल इसी पर आधारित है, अब जैसे ये हम बताए कि एक सामने वाला क्या कहलाएगा ये लंब हो जाएगा, यहाँ सी के अनुसार सी के सामने वाला ये लंब हो जाएगा ठीक है, बाकी लंब के सामने मतलब 90 के सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है। अब जैसे आपका इसी में से पूछ लेगा, क्या पूछेगा इसका इधर लिख लेते हैं सी के अनुसार, अब जैसे ये एक अनुसार हल्के जैसे मान लीजिए हमको सी के अनुसार हल करना है, क्या जैसे अगर पूछेगा साइन सी, क्या पूछेगा साइन सी, साइन क्या होता है हमेशा पी बटे एच, यही याद रखना है साइन क्या होता है हमेशा पी बटे एच, पी का मतलब क्या होता है लंब, यहाँ से लंब क्या दे दिया यहाँ से सी के अनुसार लंब क्या है यहाँ से ये ए बी, यहाँ से क्या लिखेंगे ए बी, अब बटे क्या एच, एच मतलब कर्ण, कर्ण यहाँ क्या दिखा रहा है एसी, कर्ण क्या हो गया यहाँ से एसी। सेम उसी तरह अगर हमसे पूछ लेगा जैसे कॉट सी कमांड, क्या पूछेगा कॉट सी, सी ओ टी कॉट सी, कॉट कॉट का मतलब क्या होता है कॉट, यहाँ लिखे क्या बी बटे क्यू होता है क्या बी बटे पी, कॉट होता है बी बटे पी, अब यहाँ से कॉट के अनुसार से यहाँ से क्या बोले कॉट, तो बी का मतलब होता है आधार, इसमें देखिए आधार क्या दिया है यहाँ से बीसी, आधार मतलब यहाँ लिख देंगे बीसी, अब बटे पी मतलब लंब, लंब यहाँ क्या दे दिया ए बी, यहाँ से क्या लिख देंगे ए बी। सेम उसी तरह अगर हमको मान लीजिए पूछेगा क्या सेक पूछेगा, क्या पूछेगा सेक सी का मान, सेक सी, तो सेक सी मतलब क्या बोले सेक होता है कॉस का उल्टा, जैसे होता है कॉस क्या सेक होता है क्या एच बटे बी, एच बटे क्या है बी, अब एच का मतलब कर्ण, कर्ण यहाँ क्या दिखा रहा है एसी, इतिहास कर्ण लिखेंगे एसी हो गया, बाकी हो गया बी, बी मतलब आधार, आधार यहाँ क्या दिखा रहा है बी सी, यहाँ क्या लिख देंगे बी सी। सेम उसी तरह अगर हमसे पूछ ले क्या जैसे पूछ ले टेन सी का मान निकालते हैं, टेन सी, सी के अनुसार क्या बोले ये लंब तो ये आधार, टेन क्या होता है पी बटे बी, टेन क्या होता है पी बटे बी, तो पी का मान यहाँ हो गया लंब कितना ए बी, अब बटे यहाँ क्या हो गया बी का मतलब आधार क्या हो गया बी सी। सेम उसी तरह अगर हमसे पूछ ले कौशिक, क्या पूछ लेगा कौशिक सी,
कोसेक से मतलब कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन होता पी बटे एस, ये क्या हो जाएगा एच बटे पी, क्या हो जाएगा ये एच बटे पी। एच का मतलब कर्ण, कर्ण यहाँ क्या दिया है एसी, कर्ण क्या दिया है एसी, अब बटे पी, पी मतलब हो गया यहाँ क्या एवी, ऐसे एवी लिख देंगे। सेम उसी तरह एक बच गया क्या कॉस, क्या बच गया यहाँ से कॉस, तो कॉस सी का अगर बताना है कॉस क्या होता है पी बटे बी बटे क्या एच, कॉस क्या होता है बी बटे एच मतलब आधार बटे कर्ण, कॉस क्या होता है बी बटे एच, बी का मतलब आधार, आधार यहाँ क्या दिखा रहा है बी सी, उसके बाद एच क्या हो गया कर्ण, कर्ण हो गया एसी। तो ये आपको सिर्फ क्या ये याद रखना है, आपको ये सिर्फ याद रखना है, ये आपको समझ के याद रखना है। ऐसे जैसे ये हो गया क्या आपको सिर्फ याद रखना, साइन क्या होता है पी बटे एच, कॉस क्या होता है बी बटे एच, टेन क्या होता है पी बटे बी, इस तरह से याद कर लेना। बाकी जैसे आप एक त्रिभुज दिया रहेगा या तो त्रिभुज एबीसी या दे देगा त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें दे दिया त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू दे दिया आपको 90 डिग्री है, इस अनुसार जब सवाल देगा तो उसमें एंगल या तो देगा एक, जैसे अगर इसको 90 दे दिया तो पांच आ क्या दो एंगल, दो एंगल क्या रहेगा न्यून कोण, तो उसमें से किसी एक को एंगल जैसे यूज करेगा, जैसे एक अनुसार से जब हल करेंगे तो एक सामने वाला क्या होगा लंब, बाकी बचा आधार, और उसके बाद क्या कर्ण, कर्ण तो हमेशा 90 के सामने वाले, उसके बाद जिस एंगल के अनुसार चलेंगे उसके सामने होगा लंब, बाकी कर्ण, उसके बाद क्या आ जाएगा आधार। इसी तरह जैसे सी के अनुसार सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, यहाँ एक अनुसार सामने वाला लंब और ये सी के अनुसार लंब हो गया। जैसे साइन ए तो क्या हो गया पी बटे एच, यहाँ भी लिखे साइन सी क्या पी बटे एच, ये कभी बदलने वाला नहीं, सिर्फ बदलेगा क्या एंगल, कभी एंगल जैसे ए दे दिया या क्या दे दिया सी, ये हो सकता है। जैसे ए के अनुसार क्या हो गया, तो यहाँ से साइन क्या हो गया पी बटे एच, यहाँ पी किसको दिखा रहा है पी, यहाँ दिखा रहा है किसके अनुसार से ले रहे हैं ए के अनुसार से, एक सामने वाला यहाँ क्या दिखा रहा है पी, यहाँ पी का मान क्या है बीसी, तो बीपी की जगह बीसी रख दिया एच, एच मतलब कर्ण, कर्ण क्या दे दिया यहाँ से एसी। उसी तरह से हमको अगर हम पूछ लिए साइन से, किसका पूछ लिया साइन से, अब फिगर में यहाँ देखते हैं साइन से, जैसे ये त्रिभुज एबीसी हो गया सी, यहाँ से सी के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, जैसे यहाँ एक सामने वाला लंब तो सी के सामने वाला यहाँ लंब, तो यहाँ से लंब क्या दिखा रहा है एबी को, यहाँ से लिख दिया एबी, कर्ण क्या एसी है, यहाँ भी कर्ण एसी है। सेम उसी तरह ये छह फंक्शन को हम लोग हल किए, ये था आपका बेसिक, इसी से सब फॉर्मूला आया हुआ है। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट एक ये सबसे पहला फॉर्मूला पढ़े, अब यहाँ दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ना है, जैसे हम लोग अभी क्या देखे थे साइन, जैसे साइन देखे साइन बराबर क्या पढ़े पी बटे एच, उसी तरह हम लोग क्या पढ़े कोसेक, क्या पढ़े कोसेक होता है क्या एच बटे पी, क्या होता है कोसेक एच बटे पी, साइन पी बटे एच कोसेक होता है एच बटे पी, ये दोनों एक दूसरे का क्या उल्टा, जब इस दोनों को हम लोग गुना कर देंगे, क्या कर देंगे गुना, जैसे जैसे ये दोनों गुना करते साइन इंटू कितना कोसेक, साइन इंटू क्या कोसेक, साइन इंटू कोसेक बराबर, अगर इसको हल करते साइन क्या हो गया पी बटे एच, साइन क्या हो गया पी बटे एच अगुना, अब कोसेक क्या हो गया एच बटे पी, क्या एच बटे पी, यहाँ से क्या देखते हैं एच से एच कट जाएगा और पी से पी कट जाएगा, इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा वन, यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया क्या साइन इंटू क्या कोसेक, साइन इंटू कोसेक बराबर कितना वन, साइन इंटू कोसेक बराबर कितना हो गया वन, साइन इंटू कोसेक बराबर कितना हो गया वन। इसी तरह ये आपका जैसे हो गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा के रूप में हम लोग हल कर लेते हैं, जब यहाँ से एक फिगर बना देगा इस तरह से, जैसे यहाँ एक फिगर बना, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, जैसे ये मान लेते हैं थीटा, ये कितना है ये थीटा है, अगर हमसे यही अगर फॉर्मूला इसमें पूछेगा थीटा के अनुसार, यहाँ से क्या बोलेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना वन, क्या हो गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना वन हो गया। अब इसी में जैसे गुणा में थे कहा जाएगा भाग में, ये हो जाएगा आपका क्या यहाँ से निकल जाएगा साइन थीटा बराबर कितना वन बटे कोसेक थीटा, वन बटे क्या लिखेंगे कोसेक थीटा। सेम उसी तरह अगर हमसे कोसेक पूछेगा क्या लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे वन बटे साइन थीटा, क्या लिखेंगे वन बटे साइन थीटा, समझे। ये हो गया साइन और कोसेक, जब हम लोग क्या जैसे हम लोग क्या जब टेन और कॉट को जब हल करेंगे, टेन क्या होता है पी बटे बी और कॉट क्या होता है बी बटे पी, अब जैसे इस दोनों को अगर हम गुणा करेंगे टेन थीटा इंटू क्या कॉट थीटा, टेन क्या हो गया यहाँ से पी बटे बी, अपॉट क्या हो गया बी बटे पी, जब दोनों को हल करेंगे बी से पी कटेगा और पी से पी कटेगा, कट के कितना आ जाएगा ये वन बचेगा, इसलिए यहां से लिख सकते हैं क्या टेन थीटा इंटू क्या कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना वन। सेम उसी तरह यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे टेन थीटा बराबर आ जाएगा वन बटे कितना कॉट थीटा, ये हो गया। फिर उसी तरह अगर हमसे कॉट पूछेगा कॉट थीटा बराबर क्या बोलेंगे वन बटे कितना टेन थीटा, वन बटे टेन थीटा, ये हो गया। जब टेन और कॉट को हल करते थे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना वन, उसी तरह साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना वन, तो ये साइन और कोसेक का वन देता है इधर टेन और कॉट का, एक बचा क्या सेक इंटू
सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, सेक अब यहाँ जैसे हम लोग पढ़े हैं क्या, जैसे कॉस, कॉस क्या पढ़े, कॉस होता है क्या, कॉस होता है बी बटे एच, कॉस क्या होता है बी बटे एच, अभी तुरंत जस्ट पढ़े थे, कॉस क्या होता है बी बटे एच और सेक क्या होता है इसका जस्ट उल्टा, क्या बोलेंगे एच बटे बी, ये दोनों को जब गुणा करते थे, ये सेक का मान क्या दिया एच बटे बी और कॉस क्या होता है बी बटे एच, कॉस क्या होता है बी बटे एच, अब यहाँ से ये बी से बी कटेगा और एच से एच कटेगा, यहाँ से बचेगा क्या हुआ थी, एक तरह से बन गया क्या कॉस थीटा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना वन, जब सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है वन, तो इसी तरह गुणा में कहा जाएगा आपका भाग में, ये कॉस सेक थीटा बराबर क्या बोलेंगे वन बटे कॉस थीटा, एक होता है क्या सेक, ये जैसे कॉस का पूछेगा, कॉस पूछेगा क्या जाएगा कॉस थीटा बराबर कितना वन बटे सेक थीटा, तो ये इस तरह से ये बेसिक फार्मूला था, ये देख लिया हम लोग इसको, तो क्या पढ़े जैसे याद रखना क्या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर वन, अब ये गुणामेत किसी एक का पूछेगा, जैसे अगर मान लो हमको साइन का पूछेगा क्या ये गुणामेत इधर कहाँ जाएगा भाग में, दूसरी तरह साइन थीटा बराबर क्या आ गया वन बटे कोसेक थीटा, अगर हमको कोसेक पूछेगा तो ये साइन कहाँ जाएगा भाग में, तो कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा वन बटे साइन थीटा, उसी तरह याद रखना क्या टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना वन, तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा वन बटे कॉट थीटा, फिर उसी तरह कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा वन बटे टेन थीटा, सेम उसी तरह sec into cos बराबर कितना लिखेंगे वन, तो उसी तरह ये गुना में कहा जाएगा भाग में, sec बराबर क्या जाएगा वन बटे cos और cos बराबर क्या जाएगा वन बटे sec, तो ये हो गया दूसरा फॉर्मूला, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें फिर सर हम लोग दूसरा लिखते हैं, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला आप जो याद करते हैं, जैसे फिगर बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज, जैसे ये हो गया ए ये बी और ये सी और ये आपका क्या 90 डिग्री है, जैसे मान लेते हैं थीटा है और थीटा सामने वाले मान लेते हैं पी है, बाकी ये भी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एच का, कि कर्ण 90 है ये कर्ण और ये थीटा माने तो ये हो गया लंब बाकी ये आधार है, अब जैसे हम लोग पाइथागोरस पढ़े प्रमेय सुने होंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस क्या आधार स्क्वायर, ये आपका थ्योरम है, ये टेंथ में जो पढ़े होंगे वो उसको पता होगा, सब पढ़े होंगे, अब यहाँ से क्या है कर्ण, कर्ण हम लोग यहाँ क्या दिखाए कर्ण को हम लोग क्या दिखाए एच से, कर्ण क्या हो गया एच, यहाँ से क्या बोलेंगे एच स्क्वायर बराबर कितना पी, लंब लंब यहाँ क्या दिखाए पी को, यह हो गया पी स्क्वायर बराबर आधार, आधार यहाँ क्या दिखा दिए बी को, यहाँ से क्या जाएगा पी स्क्वायर, ये हो गया एच स्क्वायर बराबर क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस यही कहता है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं जैसे एच स्क्वायर से भाग लगा देते हैं, किससे भाग लगाते हैं एच स्क्वायर से, अगर हम इसमें क्या करते हैं एच स्क्वायर से भाग दे देते हैं, एच स्क्वायर से भाग दे देते हैं, एच स्क्वायर से भाग, जैसे अगर एच स्क्वायर से दोनों तरफ भाग लगाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, इधर भी क्या आ जाएगा पी स्क्वायर बटे कितना एच स्क्वायर, इधर हो जाएगा प्लस क्या बी स्क्वायर बटे क्या एच स्क्वायर, जैसे यहाँ से क्या देखते हैं ये आपका एच स्क्वायर कट जाएगा तो इधर बचेगा वन, ये आपका क्या इसको लिख सकते हैं हम क्या पी बटे कितना एच का क्या होल स्क्वायर का, एक दोनों पर स्क्वायर है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर, इसलिए पी बटे एच को क्या कर सकते हैं होल स्क्वायर, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, सेम उसी तरह यहाँ भी क्या लिखेंगे बी बटे एच का क्या होल स्क्वायर, अब यहाँ से हम लोग पढ़े अभी जस्ट पढ़े क्या पढ़े ये आपका वन है, बाकी यहाँ क्या P बटे एच याद करिए, देखिए P बटे एच क्या होता है साइन का, साइन क्या पढ़े थे साइन होता है P बटे एच, P बटे एच का मतलब होंगे क्या साइन थीटा, तो यहाँ लिखा है क्या साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस आइए बी बटे एच किसको पढ़े कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा इसका क्या होल स्क्वायर, यही बन गया क्या इसको हम लिख सकते हैं कितना साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अब बराबर कितना वन, यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया क्या बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो सेम अब यहाँ से क्या ये आपका प्लस है तो उधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो बच्चा क्या करता है इसको एक तरह से इस तरह से याद रखता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेगा ये प्लस उधर माइनस में जाएगा वन माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस है तो उधर चला गया माइनस में, सेम उसी तरह अगर हम साइन को उस तरफ भेजेंगे तो इधर बचेगा कॉस, यहाँ से लिख सकते हैं क्या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इसी फॉर्मूला से ये बना ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस में, ये माइनस रहेगा तो इधर आएगा प्लस में, तो ये बन गया क्या एक फॉर्मूला बन गया, सेम उसी तरह अगर हमको दूसरा फॉर्मूला अगर निकाल है जैसे हम यहाँ किससे भाग लगाए एच स्क्वायर से, अगर हम यहाँ लगा देते हैं क्या अगर इसी को हम लोग भाग लगाते हैं जैसे एच स्क्वायर बराबर क्या है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे हम लोग किससे भाग लगाएंगे एच स्क्वायर से भाग लगा अब लगा देते क्या पी स्क्वायर से भाग लगा देते पी स्क्वायर से भाग, जैसे पी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देंगे जैसे पी स्क्वायर से भाग देंगे तो इधर क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा क्या
एच स्क्वायर अब बैठे कितना पी स्क्वायर बराबर यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर बैठे कितना पी स्क्वायर क्या पी स्क्वायर से भाग लगा रहे हैं इधर भी क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बटे कितना पी स्क्वायर। तो उसी तरह यहाँ हम लिख सकते हैं क्या एच बटे पी का होल स्क्वायर बराबर इधर क्या ये दोनों कट जाएगा तो इधर बचेगा वन इधर हो गया पी बटे बी क्या आ जाएगा बी बटे पी का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े एच बटे पी मतलब क्या जैसे पी बटे एच का मतलब हो गया साइन ये उसका जस्ट उल्टा है साइन का उल्टा क्या बताए थे कोसेक साइन का उल्टा क्या बताए थे कोसेक थीटा ये हो जाएगा कोसेक थीटा का स्क्वायर बराबर वन प्लस ये क्या है पी बी बटे पी है ये क्या है बी बटे पी हम लोग टेन पढ़े क्या पी बटे बी टेन क्या पढ़े थे पी बटे बी ये उसका उल्टा है टेन किसका उल्टा था कॉट का ये हो जाएगा कॉट थीटा का स्क्वायर। एक तरह से ये फॉर्मूला बन गया क्या यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये एक तरह से ऐसी फॉर्मूला की तरह याद कर लेगा जैसे ये प्लस है तो इधर कहाँ आएगा माइनस में यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे वन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना वन ये प्लस है तो इधर कहाँ आ जाएगा माइनस में सेम उसी तरह से क्या करेंगे जैसे ये आपका वन को इधर एड कर ले वन को जैसे इस तरह करेंगे क्या जाएगा एक तरह से यहाँ से बन जाएगा क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस था इधर का जाएगा माइनस में बराबर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ से फॉर्मूला बन गया क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या कॉट स्क्वायर थीटा। जब हम ये पाया एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जब एच स्क्वायर से भाग लगाए थे फॉर्मूला आ गया क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना वन सेम उसी तरह जब इसको हम पी स्क्वायर से भाग लगाए थे फॉर्मूला बना क्या कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाकी इसी को इधर उधर करते तो प्लस माइनस होता है। ये आपका दो फॉर्मूला एक फॉर्मूला और जस्ट बचा अभी जैसे हम एच से भाग लाए तभी किससे भाग लाएंगे बी से जैसे एच और बी पी खत्म हो गया। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है जैसे अब इससे आप पहले क्या पर एच स्क्वायर से भाग लगाए और पी स्क्वायर से भाग लगाए अब किससे भाग लगाते हैं बी स्क्वायर से क्या करते हैं बी स्क्वायर से भाग देते हैं बी स्क्वायर से भाग करने पर जब दोनों तरफ बी स्क्वायर से भाग दे देंगे तो इधर आपका क्या आ जाएगा एच स्क्वायर बटे कितना बी स्क्वायर बराबर यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर बटे कितना बी स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर बटे क्या बी स्क्वायर क्योंकि हम बी स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। उसी तरह हम इसको क्या लिख सकते हैं एच बटे बी एच क्या लिखेंगे एच बटे बी का होल स्क्वायर एच बटे बी का होल स्क्वायर यहाँ क्या आ जाएगा पी बटे बी का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस ये डी भी कट जाएगा पी आ जाएगा वन। अब यहाँ से हम लोग क्या पढ़े एच बटे पी याद करिएगा एच बटे पी क्या था कोसेक जैसे हम लोग साइन को याद रखें साइन होता है पी बटे एच मतलब लंब बटे कर्ण उसी तरह ये उल्टा है क्या साइन का उल्टा कोसेक होता है कोसेक क्या पढ़े एच बटे बी यहाँ क्या लिख सकते हैं कोसेक इसलिए क्या है ये आपका क्या है ये कोसेक का फॉर्मूला ये बी क्या यहाँ बी है सॉरी यहाँ क्या है बी है हम सोचे पी है इसलिए कोसेक लिख रहे थे लेकिन बी बटे बी है बी बटे पी क्या होता है सेक का है क्या है ये सेक का है इसको हम लिख सकते हैं क्या सेक थीटा का होल स्क्वायर अब बराबर फिर यहाँ से क्या है ये पी बटे बी थी पी बटे बी क्या होता है टेन ये हो जाएगा क्या टेन थीटा का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर अपर प्लस कितना वन यही आपका बन जाएगा क्या एक फॉर्मूला बनेगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना टेन स्क्वायर इसी को लिख सकते हैं वन को पहले लिख लेता है ये इधर चला जाएगा यहाँ क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा मतलब ये अरेंज कर दिया वन को पहले लिख दिया टेन को बाद दिया गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक तरह से ये फॉर्मूला बन गया। तो कब जब हम बी स्क्वायर से भाग दिए तब ये बना अब ये प्लस है तो इधर का आएगा माइनस में जिसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या वन ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है या फिर ये मान लीजिए टेन को इधर किया तब क्या करते हैं हम ये करते हैं वन को इधर कर लेते हैं जैसे वन को इधर करेंगे क्या देगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा क्या जाएगा टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या टेन स्क्वायर थीटा ये आपका फॉर्मूला बढ़ गया। तो तीन को स्क्वायर का आधारित पर था फॉर्मूला तो ये हो गया तीसरा टाइप। नेक्स्ट टाइप हम लोग क्या पढ़े जैसे हम लोग क्या करते हैं जैसे अगर यहाँ से क्या करते हैं जैसे अगर हम उससे निकालना चाहेंगे साइन साइन थीटा साइन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच क्या होता है पी बटे एच सेम इसी तरह अगर हम लोग से कभी पूछेगा क्या पूछेगा टेन थीटा क्या पूछेगा यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या बोलेंगे टेन थीटा बराबर बन जाता है क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा बटे कितना कॉस थीटा टेन थीटा बराबर क्या याद रखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसी तरह कॉट का पूछेगा क्या पूछेगा कॉट कॉट को क्या बोलेंगे कॉस थीटा बटे कितना साइन थीटा सेम दोनों एक दूसरे का उल्टा है टेन हो गया साइन बटे कॉस तो कॉट हो गया कॉस बटे साइन। तो उसी तरह याद रखना क्या जैसे इंटू वाला हो गया बटे ये हो गया तो ये था आपका क्या। अब यहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे
मान, जैसे मान निकालने के लिए हमें पढ़ाया जाता है, नहीं तो जैसे ये याद कर लेना है, जैसे मान लीजिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, साइन रहेगा क्या बदलना है कॉस, उसी तरह कॉस थीटा का जब पूछेगा कॉस 90 माइनस कितना थीटा, ये क्या बन जाएगा साइन थीटा। सेम उसी तरह अगर हमसे पूछेगा सेक 90 माइनस कितना, सेक 90 माइनस थीटा, यस क्या लिखेंगे सेक बदलता है कॉसेक थीटा में, कॉसेक लिख देंगे, फिर कॉसेक लिखेंगे कॉसेक 90 और माइनस कितना थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से सेक थीटा। सेम उसी तरह लिखेंगे टेन 90 माइनस कितना थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या आ जाता है कॉट थीटा। तो सेम उसी तरह कॉट का कॉट 90 माइनस क्या थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा टेन थीटा। बस आपको याद रखना क्या साइन बदलता है कॉस में, साइन किस में बदलेगा कॉस में, और कॉस किस में बदलेगा साइन में। उसी तरह सेक बदलता है कॉसेक में, कॉसेक बदलता है सेक में, कॉट बदलता है टेन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टेन में। इस तरह से आपको याद कर लेना है। चलिए आप स्क्रीन शॉट लीजिए और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं थीटा का मान, जैसे साइन 30 डिग्री का मान पूछेगा कॉस 30 डिग्री का मान पूछेगा, तो उसका हम एक हम लोग टेबल बना लेते हैं और उसको आपको क्या करना याद कर लेना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं टेबल को कैसे याद रखते हैं, ताकि इस आपको गारंटी कि इस टेबल का आधार पर कम से कम आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा बीपीएससी में, ये टीआरई में। जैसे आप देखिए क्या है थीटा का मान, जैसे 0 डिग्री दिया रहेगा, थीटा का मान 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और आगे पढ़ेंगे 90 के बाद 180, 135, 145 जितना भी होगा इस तरह से, या लाखों तक देगा। जैसे जैसे पहले टायर टू में पूछ चुका है कि कम वैल्यू, टायर टू में पूछा है साइन 3000 का डिग्री का मान बताएं, जैसे ये क्या है 11th क्लास में है, लेकिन हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं सिर्फ 10th के लिए पढ़ रहे हैं, 10th का मतलब 10th पे जो त्रिकोणमिति होता है उसके आधार पर पढ़ रहे हैं। फिर बताएंगे पार्ट टू में जब लाएंगे उसमें 11th और 12th का मैथ का जो फॉर्मूला होगा, मतलब उसको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बना देंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं 10th के लिए, ठीक ना। फिर पीजीटी के लिए ये आपका पीजीटी में दोनों में यूज आएगा, ये अभी पीजीटी के लिए था स्पेशल, लेकिन पीजीटी में क्या होगा यूज आएगा। तो चलिए हम लोग सिर्फ इस टेबल को समझते हैं। जैसे यहाँ दिखा हुआ पाई, जैसे त्रिकोणमिति में आपको हमेशा याद रखना है क्या पाई का मतलब क्या याद रखना है 180 डिग्री, त्रिकोणमिति में पाई बराबर कितना याद रखेंगे 180। पाई क्या था रेडियन और 180 को डिग्री को बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं डिग्री। अब इसी को हम लोग क्या 200 अगर भाग लगाएंगे पाई में, तो 200 भाग लगेगा तो कितना बन जाएगा 90 डिग्री बनेगा। सेम उसी तरह अगर हम पाई को जब कितना से भाग लगा देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा कितना 60 का, 60 मतलब 3 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 60। सेम उसी तरह जब हम इसको 4 से भाग लगाए तो जब इसको 4 से भाग लगाएंगे कितना आएगा 45 आ जाएगा। सेम उसको जब हम 6 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री आ जाएगा। ये इस तरह से हम लोग क्या करना याद कर लेना है पाई बराबर कितना 180 डिग्री। तो उसी तरह जैसे आपको साइन दे देगा, साइन कितना साइन पाई बटे 6 का मान बताएं, तभी साइन पाई बटे 6 का मतलब कितना 30, या साइन 30 का जो वैल्यू होगा तो दोनों आपस में क्या आ जाएगा बराबर, तो उसी का मान हम लोग याद रखना है समझना है। तो साइन किसका साइन 0 डिग्री, जैसे पूछेगा साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, क्या बोलेंगे साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 0 का मान क्या होता है 0, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान याद रखना क्या 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2। सेम उसी तरह टेन 60, साइन 60 का मान क्या बोलेंगे √3/2 और साइन 90 का मान कितना याद रखना है 1। आपको सिर्फ साइन को याद कर लेना, बाकी ये कैसे आता है टेबल आप समझना है, यही मेन समझना है। साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 का मान 1। सेम अब यहां से हमको अगर कॉस का पूछेगा, जैसे बोलेगा कॉस 0 का मान क्या होता है, ये लास्ट लाख को यहां शुरू में लिखना है, कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा 1। सेम उसी तरह अगर कॉस 30 डिग्री का पूछेगा तो इससे जस्ट जैसे इससे हम आगे बढ़ रहे हैं इससे पीछे बढ़ना है, तो कॉस 30 का पूछेगा तो इसके आगे क्या है √3/2, तो यहाँ लिखेगा क्या √3/2। सेम उसी तरह अगर हमको इसका आगे जैसे साइन 45 और कॉस 45 का मान क्या होता है बराबर हो जाएगा, क्या ये 1/2 तीसरा खटाल, तीसरा खटाल, यह साइन कॉस 45 डिग्री पर क्या होता है बराबर मान होता है। सेम अगर कॉस 60 का पूछेगा तो जो साइन 30 का मान होता है उसी के बराबर आ जाएगा। सेम उसी तरह अगर हमको से पूछेगा कॉस 90 का मान तो क्या बोलेंगे 0। तो क्या देखते हैं साइन कॉस में क्या रिलेशन है, साइन में क्या होता है देख रहे हैं 0/√2 इस तरह से जा रहा है, और कॉस में क्या होता है इसी का जस्ट रिपीट मतलब अंत से पहला हो गया, ये अंत वाला पहले हो गया, फिर यहाँ ये आ गया, फिर यहाँ, फिर ये इधर चला गया,
एक तरह से यहाँ क्या देखते हैं, कॉस का मान क्या होता है, जैसे जैसे थीटा का मान होता है बढ़ते जा रहा है, लेकिन साइन में क्या देखते हैं, जैसे थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन कॉस में क्या देखते हैं, जैसे थीटा का मान बढ़ेगा तो इसमें मान उसका क्या होगा, घटते जा रहा है। वन से कहाँ चला गया, जीरो, ये भी पूछ सकता है। उसको हम लोग क्या करेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कॉस साइन का मान कितने कैसे कैसे बैठता है कैसे घटता है। चलिए टेन का अगर पूछेगा, जैसे हमको अगर टेन का पूछ लेगा, टेन जीरो का मान, तो टेन जीरो डिग्री है तो टेन जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट पढ़े थे साइन अबटे कितना कॉस, जैसे साइन अबटे क्या लिख सकते हैं कॉस, जैसे टेन थीटा बराबर क्या बोलते हैं साइन थीटा बटे कॉस, उसी तरह हम लिख दिए टेन जीरो बराबर क्या, साइन जीरो बटे कॉस जीरो, साइन जीरो का मान कितना है जीरो, और कॉस जीरो का मान कितना है वन, ये जीरो बटे वन क्या देता है जीरो। तो कभी भी आपको टेन जीरो का मान पूछेगा क्या बोलेंगे, जीरो, टेन जीरो का मान कितना आ जाएगा जीरो। सेम उसी तरह अगर हमसे पूछेगा टेन तीस डिग्री का मान, क्या पूछेगा टेन तीस डिग्री का, तो यहाँ जहाँ जीरो डिग्री है वहां हम तीस डिग्री ले लेते हैं, यहाँ भी क्या देंगे तीस डिग्री, यहाँ भी कितना दे देंगे तीस डिग्री। तो उसी तरह यहाँ टेन तीस का मतलब साइन तीस बटे कॉस तीस, साइन तीस का मान कितना हो गया वन बाय टू, साइन तीस का मान हो गया वन बटे टू, और कॉस तीस का मान हो गया क्या रूट थ्री बटे टू। तो यहाँ से नीचे ये दो और ये दो कट जाएगा तो बचेगा क्या वन बटे कितना रूट थ्री, टेन तीस का मान पूछेगा क्या बोलेंगे वन बटे रूट थ्री। सेम उसी तरह साइन पैंतालीस का पूछेगा क्या लिखेंगे, साइन पैंतालीस टेन पैंतालीस को पूछेगा क्या, साइन पैंतालीस बटे कॉस पैंतालीस, साइन पैंतालीस का मान इतना है कॉस पैंतालीस का मान, ये दोनों कट जाएगा कितना आ जाएगा इसका मान वन। इसी तरह आपको सबको याद कर निकाल लेना है, जैसे टेन तीस का मान पूछेगा तो ये दो दो कट जाएगा क्या बचेगा रूट थ्री, और यहाँ जब जैसे हमसे पूछेगा टेन नब्बे का मान, टेन क्या होता है साइन बटे कॉस, तो साइन वन है कॉस जीरो है तो वन बटे जीरो, जैसे यहाँ जैसे जीरो बटे एक ये हो जाएगा जीरो, वन बटे जीरो बोलेगा क्या बोलेंगे उसको इन्फिनेटिव या अपरिभाषित बोल सकते हैं, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे इन्फिनेटिव, क्या जाएगा इन्फिनेटिव, ये वन बटे जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं इन्फिनेटिव, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं अपरिभाषित। सेम उसी तरह क्या याद रखना है कॉट का, कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस बटे साइन, कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस बटे साइन, नहीं तो इसे याद रखिए टेन किसका उल्टा था कॉट का, कॉट किसका उल्टा होगा टेन का। अब यहाँ से बोलेंगे अगर आपसे पूछेगा जीरो को उल्टा क्या है, तो जीरो को उल्टा मतलब हो गया क्या जीरो बटे एक, जीरो को उल्टा क्या आ जाएगा जीरो बटे एक। तो उसी तरह बताइए जीरो का उल्टा क्या बोल सकते हैं जीरो बटे एक, जीरो बटे एक का मतलब क्या देगा जीरो, जीरो को उल्टा हम लोग क्या बोल सकते हैं जीरो बटे एक, नहीं कुछ जिसके नीचे कितना है वन, तो वन चला जाएगा ऊपर बटे जीरो आ जाएगा, और ये टेन जीरो का मान जीरो तो इसका वन बटे जीरो आएगा, तो जब वन बटे जीरो आता है तो उसको हम लोग क्या पढ़े अपरिभाषित, क्या पढ़े अपरिभाषित। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या टेन जीरो का मान कॉट जीरो का मान कितना बोलेंगे अपरिभाषित, जीरो को उल्टा क्या आ जाएगा वन बटे जीरो, वन बटे जीरो को क्या लिखते हैं हम इन्फिनेटिव या अपरिभाषित। सेम उसी तरह टेन कॉट किसका उल्टा है टेन का, अगर हमसे पूछेगा कॉट तीस का मान था टेन तीस का मान कितना वन बटे रूट थ्री, ये वन बटे रूट थ्री का उल्टा क्या आ जाएगा रूट थ्री ऊपर चला जाएगा वन नीचे आ जाएगा, लेकिन वन हम नीचे नहीं लिख सकते हैं, टेन लिखे या ना लिखे बात क्या रहता है सेम रहता है, इसलिए वन को हटा दिया जाता है। कॉट तीस का पूछेगा कितना बोलेंगे रूट थ्री, कैसे आया था टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, इसलिए वन बटे रूट थ्री का उल्टा क्या जाएगा रूट थ्री। जैसे टेन पैंतालीस का मान होता है एक, उसी तरह कॉट पैंतालीस का मान क्या जाएगा वन, क्योंकि टेन वन का उल्टा वन ही आएगा। सेम उसी तरह टेन साठ का मान होता है रूट थ्री, उसी तरह कॉट साठ का पूछेगा तो ये इसके नीचे नहीं कुछ कितना एक, तो ये एक आप का ऊपर चला जाएगा रूट थ्री का आएगा नीचे, इस तरह से लिख सकते हैं रूट थ्री का उल्टा क्या जाएगा वन बटे रूट थ्री, जैसे वन बटे रूट थ्री का उल्टा रूट थ्री, वन रूट थ्री का उल्टा वन बटे रूट थ्री। सेम उसी तरह जैसे यहाँ जीरो का उल्टा क्या हो गया इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का उल्टा क्या लिख सकते हैं जीरो लिख सकते हैं। तो उसी तरह अब यहाँ से याद रखना है क्या सेक का, सेक जैसे टेन पता चला कॉट निकाल दिया, उसी तरह जब हमको सेक पूछेगा तो इसका पता होना चाहिए कॉस का, तो सेक कॉस से रिलेशन रखता है, तो देखे कॉस जीरो का मान वन है तो उसी तरह कॉस सेक जीरो का मान वन का उल्टा क्या लिखेगा वन। सेम उसी तरह सेक तीस का मान पूछेगा कॉस तीस का, तो कॉस तीस का है रूट थ्री बटे टू, इसलिए सेक तीस का आ जाएगा टू बटे रूट थ्री, जस्ट इसका उल्टा होता जाएगा। अगर सेक पैंतालीस का पूछेगा तो कॉस पैंतालीस का मान वन बटे रूट टू है, तो यहाँ से रूट टू जाएगा ऊपर आए, ये वन कितना आ जाएगा नीचे, वन कहाँ आ जाएगा नीचे, वन को हम नीचे नहीं लिख सकते हैं। सेम उसी तरह अगर हमको जैसे कॉट साठ का मान है एक बटे टू, तो उसी तरह सेक साठ का पूछेगा तो इसका जस्ट क्या लिखेंगे उल्टा, तो यहाँ से एक बटे टू का उल्टा क्या लिखेंगे तो लिखेंगे। सेम उसी तरह हमसे पूछेगा कॉस नब्बे, सेक नब्बे का मान था कॉस नब्बे का मान क्या दिया है जीरो था, उसी तरह सेक नब्बे का मान जीरो को उल्टा क्या बोलेंगे इन्फिनेटिव, जीरो को उल्टा क्या बोलेंगे इन्फिनेटिव। उसी तरह कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन जीरो का मान जीरो, तो उसी तरह कॉसेक किसका उल्टा आ जाएगा साइन का, तो साइन जीरो को उल्टा क्या लिखेंगे इन्फिनेटिव। उसी तरह कॉस इकतीस का पूछेगा तो साइन तीस का वन बटे टू है, तो वन बटे टू को उल्टा क्या आ जाएगा टू हो जाएगा। सेम उसी तरह
कोसेक 45 का पूछेगा तो साइन 45 का 1/√2 है तो इसका 1/√2 पलटा कितना जाएगा 2। उसी तरह सेक कोसेक 60 का पूछेगा, कोसेक 60 मतलब साइन 60, साइन 60 कहते हैं √3/2 तो इसका उल्टा क्या जाएगा 2/√3। सेम उसी तरह कोसेक 90 का, तो जैसे साइन 90 का मान 1 है तो इसी तरह कोसेक 90 का क्या जाएगा 1/√1। इस तरह से आप लोग क्या करना है, साइन का याद रखिएगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस इसका जस्ट क्या होता है साइन का जस्ट पीछे से लिखते जाता है। उसके बाद क्या टेन, टेन क्या होता है साइन बेटे कॉस भाग लगा के इस तरह से निकाल सकते हैं। अब जैसे ये तीनों को याद रखना, कॉट का अगर पूछेगा तो टेन याद है तो उसका जस्ट क्या करना उल्टा करना, उल्टा का मतलब हो गया क्या जीरो को उल्टा आना, इसके नीचे देखो सिर्फ एक है तो एक चला जाएगा ऊपर जीरो आ जाएगा नीचे, 1/0 क्या बोलते हैं इन्फिनेटिव जैसे यहाँ लिख के दिखाए, इसी तरह आपको याद कर लेना है। उसी तरह सेक का पूछेगा कॉस को याद रखेगा सेक याद हो जाएगा, जैसे कॉसेक का पूछेगा साइन का याद होगा तो कॉसेक बता सकते हैं। तो ये था आपका मान, तो ये आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए या आपको क्या करना है किसी तरह आपको याद कर लेना है। चलिए ये क्लास 9 से 10th के लिए त्रिकोणमिति ये काफी है फॉर्मूला। उसके बाद जैसे 11th और 12th का फॉर्मूला लेकर आएंगे पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 एक तरह से याद रखिएगा। ये आपका हो गया 9 से 10th के लिए। एक चीज और इसमें 9 से 10th में आपका क्या पूछेगा, जैसे अभी बताए थे साइन किसका 3000 डिग्री का मान पूछ चुका है, जब हमको 90 डिग्री से ज्यादा पूछेगा तो ये किसका पार्ट आ जाता है 11th का। जब हम लोग सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे तो उसमें जब 11th का जब हम फॉर्मूला बताएंगे तो हम बता देंगे TGT यहाँ तक काफी है, लेकिन ये आपका 9th 10th का निकल जाएगा, इतना आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। अब नेक्स्ट क्लास जब लेकर आएंगे तो पार्ट 2 का फॉर्मूला 11th और 12th का जो होता है त्रिकोणमिति में उसको हम लेके आएंगे, तो दोनों को आपको क्या करना है, तो ये आपको TGT जो 9th 10th का एग्जाम देगा उसको याद कर लेना है, और जो TGT होगा तो इसको भी याद रखना है, और नेक्स्ट पार्ट 2 जो आएगा वो स्पेशल किसका हो जाएगा PGT का, उसमें बस थोड़ा क्या मान जैसे इसका मान कैसे निकालते हैं वहां सिखाएंगे, तो इसलिए TGT वाला भी इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 में लेकर, और आपको वॉइस में ये मतलब वातावरण में मतलब आवाज अगर किसी तरह प्रॉब्लम आ रहा है तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि ये आपका मतलब यहाँ का एरिया सब क्या है पूरे फैमिली लोग है इसलिए आवाज आएगा, तो इसलिए सॉरी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों को शेयर करें, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।